भागलपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें अवैध एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य आपत्तिजनक सामान भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी में कुल 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। दरअसल पुलिस ने यह कार्रवाई 19 अक्टूबर को साइबर थाने की टीम द्वारा एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की निगरानी के दौरान की है, जिसके खिलाफ कई साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज थी। इसके बाद एसएसपी के निर्देश में एक विशेष टीम ने गिरोह के ठिकानों पर छापे मारकर इनकी गिरफ्तारी की है। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में जीशान अली उर्फ राहुल, मोहम्मद छोटू, आदित्य कुमार समेत अन्य लोग शामिल है। दरअसल इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और यह पिछले कुछ महीनों में करीब 50 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने 38 मोबाइल फोन, 44 सिम कार्ड, 34 एटीएम कार्ड, नगद रुपए, सोने के आभूषण और कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। भागलपुर जिला में साइबर फ्रॉड में संबंधित अपराधी कर्मियों को विरोध सत्यापन छपमारी लगातार जा रही है। इसी क्रम में 19/10/24 को भागलपुर साइबर थाना को प्रतिबंब पोर्टल से सूचना मिली, एक संदिग्ध व्यक्ति, साइबर फ्रॉड में संदिग्ध व्यक्ति का नाम, उनका लोकेशन मिलने पर एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम बरारी थाना अंतर्गत मनाली चौक पे विशेष छापेमारी किया गया है। छापेमारी क्रम में कुछ बरामद हुआ है, मोबाइल 38, सिम कार्ड 44, एटीएम कार्ड 34 और चेकबुक, पासबुक और बाइक 3, रकम 73,000 और ज्वेल्स बरामद हुआ है। ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में मास्टरमाइंड है राहुल उर्फ जिशान अली, उनको गिरफ्तार किया गया है। राहुल उर्फ जिशान अली के निशानदेही पर और 9 लोग को गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल मिलाकर 10 लोगों को ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में गिरफ्तार किया गया। इसी संबंधित साइबर थाना में 69/24 FIR दर्ज करके बाकी शेष अभियुक्तों को बारे में अभी छापेमारी चल रही है। क्या तो लड़कियां हैं वो कितनी? छः लड़के। तरह से ये लोग शिकार बनाते थे, कुछ नया तरीका था या तो फिर वैसे ही फोन कॉल के जरिए, ये किस तरह से? ये गिरोह है, एक विशेष मोडस ऑपरेंडी है। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट के तरफ ई मार्ट होता है, ई मार्ट से एक व्यक्ति के द्वारा कांटेक्ट नंबर मिलता है, वो कांटेक्ट नंबर है वो 200-300 नंबर है, वो बेचते हैं एक कांटेक्ट नंबर का 15 रुपये का बेचते हैं। ये कांटेक्ट नंबर मिलने पर ये टीम है, ये अभी गिरफ्तार हुआ गिरोह है, वो कांटेक्ट नंबर को विक्टिम को कांटेक्ट करके एक गिफ्ट कूपन बारे में बात करते हैं, बात करके वो पैसा भेजने के लिए बोलते हैं। पैसा मिलने पर और रिफंड मिलने के लिए वो अभी कांटेक्ट को कॉल करके एक कोड डालने के लिए बोलते हैं, ये कोड डालने पर और पैसा भी निकलेगा। यही मोडस ऑपरेंडे यूज़ करके अभी इस गिरोह के द्वारा 4 व्यक्ति और गुड़गांव, पांडिचेरी वो सभी जहां से 4 विक्टिम से 269,000 रुपये अभी अक्टूबर मंथ में फ्रॉड किया गया। इसमें से आज 73,500 रुपये बरामद हुआ। भागलपुर के मध्य विद्यालय कुरपट सबौर में प्रधानाध्यापक को हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जहां स्थानीय ग्रामीणों, अभिभावकों और छात्रों ने इसका विरोध किया। दरअसल प्रधानाध्यापक का एक लुंगी पहने हुए वीडियो वायरल होने के बाद उनके हटाने की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि ग्रामीणों और छात्रों ने प्रधानाध्यापक के समर्थन में कहा कि उनके कार्यकाल में विद्यालय में काफी सुधार हुआ है और उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि प्रधानाध्यापक ने स्कूल की स्थिति को बेहतर किया है और एक छोटे से वीडियो के आधार पर उन्हें हटाना अनुचित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्यामला मैडम ने प्रधानाध्यापक का लुंगी पहने हुए वीडियो बनाया, जबकि उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को नहीं दिखाया गया। इस हंगामे के बाद सबौर पुलिस ने श्यामला मैडम को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद ग्रामीणों और छात्रों में खुशी लौट आई और मामले में फिलहाल शांति बनी हुई है। सर जिस दिन पानी साफ कर रहे थे नाला, उस दिन सर गमछे पहने थे, उसकी वजह से मैम फोटो खींच ली और
उल्टा सीधा मैम वायरल कर दी फोटो सर, लेकिन वो नाला साफ कर रहे थे इसलिए लुंगी पहन ली थी, क्योंकि वो दिन में बागू हो जाता व्हाइट पहने थे इसीलिए सर सर को वीडियो बना के वायरल कर। अभी सबौर थाना की पुलिस जो है मैम को लेके गई, क्या हुआ? अच्छा हुआ क्या उसके ऊपर, क्या उनको जेल भेजना चाहिए? नौकरी से बर्खास्त होनी चाहिए, निकालना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे का सर का वीडियो बना करके भेजे, सर काम कर रहे थे अच्छा काम कर, उसका वीडियो नहीं बना, और जो सर थोड़ा सा लुंगी पहन लिया काम करने के उपरांत में तो उसका वीडियो बना दिया सर, कौन सी का उसका जो है वीडियो क्यों बनाया स्कूल पीरियड में, उससे जानकारी लीजिए और उस पर कार्रवाई करिए। कौन बनाई थी वीडियो? कमला मैडम बनाई। कौन सा कक्षा में बैठती है? भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी फिजिक्स विभाग में शिक्षक डॉक्टर सुदेश कुमार जायसवाल और उनकी पत्नी साधना कुमारी के बीच का विवाद गंभीर रूप ले चुका है। साधना कुमारी ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनके पति ने वह फ्लैट बेच दिया जिसमें वह रहती थी, जिससे उनके पास रहने की भी जगह नहीं बची है और उनके बिजली और पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है। इसके चलते उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। साधना का दावा है कि कुछ शिक्षकों की मदद से उनके नाम को डॉक्टर जायसवाल की सर्विस बुक से भी हटा दिया गया है। दरअसल यह विवाद और भी बढ़ गया जब विभाग में दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साधना कुमारी को अपने पति का कॉलर पकड़े हुए और रोते हुए कई आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है। वहीं घटना के बाद विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने हस्तक्षेप कर साधना कुमारी को शांत कराया। वहीं डॉक्टर सुदेश जायसवाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फ्लैट बेचने का कारण बैंक का कर्ज चुकाना था। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी को किराए का मकान और जीवन निर्वाह भत्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन उनके व्यवहार के चलते अब साथ नहीं रह सकते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह विवाद विभाग में उनके खिलाफ चल रही एक साजिश का हिस्सा है जिसमें कुछ लोग शामिल है। वहीं इस मामले में पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों की निगरानी जारी है। भागलपुर बाईपास थाना में काली पूजा और छठ महापर्व पूजा को लेकर शांति समिति और ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने की, जिसमें बैजानी खिरीबान समेत अन्य पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सरपंच और वार्ड मेंबर उपस्थित रहे। थानाध्यक्ष ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी से आग्रह किया कि अगर किसी भी प्रकार से शराब या असामाजिक तत्वों द्वारा कोई गड़बड़ी की जाती है तो तुरंत इसकी सूचना बाईपास थाने में दे। उन्होंने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील की और छठ घाटों पर पानी से बचाव के लिए बैरिकेडिंग की योजना की जानकारी दी। बैठक में मुखिया अजय कुमार, सरपंच सूरज कुमार, वार्ड मेंबर शत्रुघ्न मंडल, पुलिस मित्र उमेश कुमार और अन्य जनप्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। आज शांति समिति की बैठक रखी गई जिसमें कि छठ पूजा को लेकर के और साथ में दीपावली को लेकर के आज शांति समिति की बैठक रखेगी। इसमें SHO साहब प्रभात कुमार सर बताएगी कि हमारे यहाँ जो छठ पूजा होती है, दीपावली होती है, तो इसमें शांति से हम लोग पूजा को संपन्न करें, जितना सहयोग होगा हम आप लोग के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड स्थित ऐतिहासिक चंपा नदी घाट में 1983 से नगर निगम और पूजा समिति के सहयोग से विसर्जन घाट का निर्माण होता आ रहा है, जहां छठ महापर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। गुरुवार को भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर प्रीति शेखर, नंद किशोर नंदी, संजय सिन्हा और पंकज कुमार समेत कई वार्डों के पार्षदों ने घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड 13 के पार्षद रंजीत मंडल और संजय यादव के बीच कुछ मुद्दों को लेकर बहस हो गई, जिससे महापौर वसुंधरा लाल बैठक से पहले ही चली गई। महापौर ने कहा कि विसर्जन घाट पर लाइट की उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो। वहीं दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नगर निगम से 50 और मजदूरों की मांग की है ताकि घाट पर काम तेजी से पूरा किया जा सके। इस मौके पर महापौर के साथ अन्य पार्षद और पूजा समिति के सदस्य भी मौजूद थे, जो इस घाट की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। समन्वय से पूजा समिति और हमारे जो सम्मानित पार्षद हैं 1 से 12 के,
अपना मिल के काम करेंगे, यही बात चल रही थी। तो हंगामेदार नहीं और सब चीज़ ठीक किया, जो निगम से घाट के लिए बेहतर होगा, जो सुविधा दी जाती है पहले से भी जो दी जाती रही है उससे बेहतर ही। इसमें लाइट्स का कुछ आपने बताया? लाइट का भी व्यवस्था होगा और पानी और सफाई सब चीज़ की बेहतर व्यवस्था। विश्व पोलियो दिवस के अवसर पर भागलपुर के उर्दू कन्या मध्य विद्यालय बरपुरा की छात्राओं के साथ रोटरी विक्रमशिला पिंक क्लब द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली स्कूल से होकर चांदनी चौक होते हुए वापस स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें कक्षा पाँचवीं से आठवीं तक की लगभग 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। छात्राओं ने पोलियो भगाओ देश बचाओ और दो बूंद जिंदगी की जैसे नारों और पोस्टरों के साथ रैली निकाली, जिससे लोगों में पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाई गई। रैली के दौरान आफरीन परवीन, मुनज्जा, जैनब, कुलसुम, नरगिस और मसरूर जैसी छात्राओं को उनकी गायन प्रस्तुति और विशेष योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को पोलियो से संबंधित जानकारी दी गई और चॉकलेट बांटे गए। रोटरी क्लब की अध्यक्ष बबीता शाह ने पोलियो उन्मूलन में रोटरी के वैश्विक योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज भी दुनिया के दो देशों में पोलियो का खतरा बना हुआ है, जिससे भारत में इसके पुनः फैलने का खतरा है। उन्होंने सावधानी और जागरूकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष बबीता शाह, पूर्व अध्यक्ष किरण गोस्वामी, सुधा पांडे, मृदुला घोष, कमला साहू और रोशनी शर्मा भी मौजूद थे। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के बिसंबरचक गांव में एक दर्दनाक हादसे में 11 वर्षीय छात्रा प्रिया कुमारी की पोखर में डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के पिता विकास यादव ने बताया कि बुधवार की शाम करीब 5 बजे प्रिया कुमारी शौच के लिए गांव के बहियार की ओर गई थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिवार ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने पोखर में एक शव तैरते हुए देखा और तुरंत इसकी सूचना दी। वहीं सब की पहचान होते ही पिता विकास यादव का दुख असहनीय हो गया और ग्रामीणों की मदद से प्रिया का शव पोखर से बाहर निकाला गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। फिलहाल पूरे गांव में इस घटना से गम का माहौल है और परिवार के लोग सदमे में हैं। आपका? विकास यादव। अच्छा, ये मृतक कौन है आपका? मेरी बेटी है। क्या नाम हुआ? प्रिया कुमारी। अच्छा, क्या घटना घटा? शाम के स्कूल से पढ़ के आई, 4:30 बजे गई वही सोच उच करने के लिए, उधर तालाब में डूब गई। कौन तालाब? दिसंबर तक पोखर में। अच्छा, यादव टोला। रात भर खोजे आप? रात भर खोजे। कब ये सूचना मिला कि वहाँ डूबी हुई है? शाम को जब घर में नहीं था तो उसी समय खोज रहे थे। हाँ, तो सुबह कब आपको सूचना मिला? सूचना मिला करीब 7 बजे, जब पानी इस तरह ऊपर हुआ।